आज का पहला क्वेश्चन, यस देखिए आपको निकालना है, डोमेन निकालना है फलन। लिखिए क्वेश्चन, दिए गए फलन का डोमेन निकालिए और एफ एक्स, आपके पास जो फलन दिया गया है एफ एक्स बराबर अंडर रूट वन माइनस अंडर रूट वन माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए इसका आपको डोमेन निकालना है, ओके सॉल्व कीजिए कि इसका डोमेन क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ है फर्स्ट ए एक्स इज़ लेस देन वन, सेकेंड नंबर बी एक्स इज़ ग्रेटर देन माइनस वन, थर्ड नंबर एक्स इज़ बिटवीन बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल जीरो टू वन, और फोर्थ इंटरवल दिया गया फोर्थ ऑप्शन एक्स इज़ बिटवीन माइनस वन टू प्लस वन। देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे, इसको फोर्थ ऑप्शन होगा। यस देखिए बिल्कुल सही, इसको सॉल्व करने के लिए ये क्वांटिटी जो हमारी रूट के अंदर बैठी हुई है, और हम जानते हैं कि किसी इरेशनल फंक्शन के परिभाषित होने के लिए रूट के अंदर बैठी हुई क्वांटिटी जो होती है ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, मतलब वन माइनस एक्स स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, और इसको हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन लेस देन और इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर इज़ लेस देन और इक्वल टू वन, अर्थात एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन टू प्लस वन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। क्लियर है सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि बहुत सरल है, आपको बताना है कि द रेडियस ऑफ अ सर्कल इन विच सेंट्रल एंगल इज 45 डिग्री इंटरसेप्ट एन आर्क ऑफ 132 सेंटीमीटर। आपको बताना है उस सर्कल की रेडियस बतानी है, आर बतानी है, जिसमें कि सेंट्रल एंगल 45 डिग्री है। ओके सेंट्रल एंगल जो है 45 डिग्री है, और ये 45 डिग्री का कोण जो है कितने डिग्री के आर्क पर, कितने आर्क पर बना है, 132 सेंटीमीटर के आर्क पर बना हुआ है। आठवीं क्लास का क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए कि रेडियस का मान कितना होगा। ऑप्शन है 132, 148, 164, 168। नहीं बनेगा क्या, कोई प्रॉब्लम है क्या इस क्वेश्चन में? ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले आप जानते हैं कि फॉर्मूला होता है एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, और याद रखिएगा ये फार्मूला लगाने के लिए आपका एंगल जो होना चाहिए रेडियन में होना चाहिए। तो 45 डिग्री का मान होता है पाई बाई फोर रेडियन। ओके तो यहाँ पर आप रख सकते हैं पाई बाई फोर इक्वल टू आर्क है 132 और रेडियस आर मान लीजिए, पाई का मतलब 22 अपॉन 7 इंटू 4 इक्वल टू 132 बाई आर, आर को ऊपर ले जाइए तो आर इक्वल टू 132 डिवाइड बाई 22 इंटू 7 इंटू 4। अब देखिए आर में 132 कितने बार आता है अपने पास पे, 6 बार जाएगा, तो आंसर 6 गुणे 7 चौके 28 करेक्ट आंसर है इसका 168 सेंटीमीटर। बताइए मित्रों समझ में आया कि नहीं आया, तो बहुत सरल था, क्लियर है ना? जी सर आ गया। चलिए सर बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर 4, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा अपॉन आई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा की होल पावर 4 का मान क्या होगा। देखिए ऊपर वाले फंक्शन में तो कोई बुराई नहीं है, नीचे वाले फंक्शन में हमको आई कॉमन चाहिए पड़ेगा, तब ये बन जाएगा अपने पास कॉस थीटा और माइनस आई साइन थीटा। यदि मैं नीचे वाले फंक्शन से आई कॉमन ले लूँ तो ऊपर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर 4 सेपरेट कर लीजिए, और नीचे वाले से आई की पावर 4 कॉमन आ जाएगा क्योंकि आई बाहर आएगा, तो ये बन जाएगा कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा के नीचे अपॉन में आई चला जाएगा, जिसको रेशलाइज करके मैं लिख सकता हूँ आई स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा, मतलब आई साइन थीटा की होल पावर 4। बताइए मित्रों ठीक है ना? ये हो गया 1 अपॉन 1 क्योंकि आई की पावर 4 हो गया 1 इंटू
इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ e की पावर i थीटा की होल पावर 4, और इसे मैं लिख सकता हूँ e की पावर माइनस i थीटा की होल पावर 4। मतलब 1 ये हो गया e की पावर i इंटू 4 थीटा, और नीचे e की पावर i इंटू माइनस 4 थीटा। ऊपर जा कर के ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा e की पावर i 4 थीटा इंटू e की पावर i 4 थीटा, 4 थीटा 4 थीटा ऐड हो गए, बन गया 8 थीटा। ओके, तो ये बन जाएगा हमारे पास 8 थीटा, और ये फार्मूला बन गया e की पावर i 8 थीटा, जिसको आप एंगल फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं cos 8 थीटा प्लस i sin 8 थीटा। नोट कर लीजिए। राजीव सर नमस्ते। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्ते सर। चलिए, क्लियर है सभी को ये क्वेश्चन? अभी जो कराया इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना मित्रों? यस सर, क्लियर है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल जो है बाइनोमियल थ्योरम का, क्लास 11वीं की एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, परंतु फिर भी ये आ चुका है। क्वेश्चन है इन द एक्सपेंशन ऑफ ए एक्स प्लस ए टू द पावर एन। तो क्वेश्चन लिखना ज़रूरी है, मैं लिख देता हूँ। इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स प्लस ए होल टू द पावर एन द सम ऑफ ऑड टर्म्स इज पी, द सम ऑफ ऑड टर्म्स इज पी एंड सम ऑफ इवन टर्म्स इज क्यू, और सम पदों का योग, इवन टर्म्स का जो योग है वो कितना है, क्यू है। तो आपको बताना है वैल्यू एक्स प्लस ए की होल पावर 2n माइनस एक्स माइनस ए की होल पावर 2n का मान क्या होगा। आपको बताना है एक्स प्लस ए की होल पावर 2n एक्स माइनस ए की होल पावर 2n का मान आपको क्या होगा, ये बताना है। देखिए, ओके, इसको हमको सॉल्व करना है कि x प्लस ए की होल पावर 2n और x माइनस ए की होल पावर 2n का मान क्या होगा, ये हमें बताना है। देखिए एक चीज, ऑप्शन क्या दिया गया है इसका। पहला ऑप्शन दिया गया है p प्लस क्यू, दूसरा ऑप्शन है p माइनस क्यू, तीसरा ऑप्शन है पी क्यू, और चौथा ऑप्शन है 4pq। चार ऑप्शन हैं, चौथा है 4pq। तो अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए है, हमें इसकी वैल्यू चाहिए है। और सबसे पहले p और q को आइडेंटिफाई कर लो। तो x प्लस ए की पावर n की प्रसार लिख दो। सबसे पहले x प्लस ए की पावर n का प्रसार होता है एन सी जीरो एक्स की पावर n प्लस एन सी वन एक्स की पावर n माइनस वन इंटू ए प्लस एन सी टू एक्स की पावर n माइनस टू इंटू ए का स्क्वायर प्लस एन सी थ्री इंटू एक्स की पावर n माइनस थ्री इंटू ए का क्यूब अप टू डॉट डॉट, ये चलता जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है कि इसमें जो विषम पदों का योग है वो p है। तो विषम पदों का योग आपको बताना है p, ओके, और सम पदों का योग आपको बताना है कितना। सम पदों का योग आपके पास दिया गया है कितना, सम पदों का योग आपके पास दिया गया है q। तो सबसे पहले हम यहाँ पर विषम पदों का योग छांट लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास विषम पदों का, विषम पद यानी कि पहला पद तीसरा पद, तो एन सी जीरो एक्स की पावर n, ओके, प्लस एन सी टू एक्स की पावर n माइनस टू ए की पावर 2, फिर एन सी फोर एक्स की पावर n माइनस फोर ए की पावर 4 अप टू डॉट 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 डॉट, ये कितना दिया गया है, ये आपके पास दिया गया है p दिया गया है, ओके, ये आपके पास p दिया गया है। और सम पदों का योग कितना दिया गया है, q दिया गया है। सम पद यानी कि ये होगा इवन पद, एन सी वन एक्स की पावर n माइनस वन ए की पावर 1, एन सी थ्री एक्स की पावर n माइनस थ्री ए की पावर 3, प्लस एन सी फाइव एक्स की पावर n माइनस फाइव ए की पावर 5, ये दिया गया है विषम पदों का योग। ये आपको दिया गया है कितना, ये दिया गया है आपको q दिया गया है। इतनी जानकारी आपको दी गई है कि इसके सम पद और इसके विषम पदों का योग आपको इतना दिया गया है। तो अब हमें बताना है किसके बारे में, कि x
प्लस ए की पावर 2n और माइनस x माइनस ए की पावर 2n का मान क्या होगा? x प्लस ए की पावर 2n और x माइनस ए की पावर 2n का मान कितना होगा? तो देखिए ये हमारे पास में हमें जो फॉर्मूला दिख रहा है ये ऐसा दिख रहा है, x प्लस ए की पावर n, x प्लस ए की पावर n का होल स्क्वायर और प्लस माइनस x माइनस ए की पावर n का होल स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब x प्लस ए की पावर n a माइनस बी और a प्लस बी, तो x प्लस ए की पावर n प्लस x माइनस ए की पावर n, ये हो गया, और इनटू a माइनस बी यानि x प्लस ए की पावर n माइनस x माइनस ए की पावर n, ये देखिए। अब आप ज़रा फिक्र कीजिए इसके बारे में कि ये क्या आएगा, सोचिए ज़रा। तो देखिए पहला टर्म दोनों का सेम आएगा, मतलब ये दो टाइम्स हो जाएगा कितना, एन सी जीरो एक्स की पावर n, क्योंकि पहले टर्म में a के कोफिशेंट आते नहीं हैं। फिर कितना आ जाएगा, वन वन फर्स्ट फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाएंगे, परंतु सेकेंड टर्म आएगा कितना आएगा, एन सी टू एक्स की पावर n माइनस टू ए की पावर टू। तो इस तरीके से ये सीरीज़ ये बनती जाएगी। अगली सीरीज़ क्या बनेगी, देखिए इसमें फर्स्ट टर्म दोनों के कैंसिल हो जाएंगे और सेकेंड टर्म ऐड हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, टू यहाँ पे आएगा एन सी वन एक्स की पावर एन माइनस वन ए की पावर वन, फिर एन सी थ्री एक्स की पावर एन माइनस थ्री ए की पावर थ्री। आप ध्यान से देखिए ये क्या है, ये था सम ऑफ इवन टर्म्स, सम ऑफ ऑड टर्म्स जो कि था अपने पास p, और ये क्या है, 2 इंटू सम ऑफ इवन टर्म्स जो है q, आंसर आएगा 4pq। बताइए मित्रों क्लियर है कि नहीं है? हेलो सही है सर, आ गया, हाँ आ गया सर, जी जी सर। चलिए तो ये क्वेश्चन भी हो गया है, अगला सवाल करते हैं हम, अगला क्वेश्चन लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है द एलसीएम ऑफ, आपको एलसीएम बताना है, किसका एलसीएम बताना है, कुछ टर्म मैं आपके सामने दे रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉमा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब कॉमा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई एंड एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, इसका आपको बताना है एलसीएम, बताइए कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा। चलिए सॉल्व कीजिए, आठवीं क्लास का क्वेश्चन है, बहुत ही सरल सवाल है, परंतु टीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है, बताइए क्या निकालेंगे इसका आंसर। सर इसका होगा एक्स माइनस वाई। नहीं सर, एक्स माइनस वाई कभी आ ही नहीं सकता सर, एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एक बार एचसीएफ होता तो आप सोच सकते थे सर। देखिए सर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मतलब होता है एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, दूसरा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का मतलब होता है एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और यदि इस टर्म को देखा जाए जो उटपटांग सा टर्म दिख रहा है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो ब्रैकेट में बच गया एक्स माइनस वाई, और यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है माइनस वाई स्क्वायर, तो ये हो गया एक्स माइनस वाई, यहाँ से भी तो यहाँ पे ये बना x माइनस वाई और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है ना, तो ये बन जाएगा x माइनस वाई और x प्लस वाई। तो तीसरा जो टर्म अपने पास में है ये बड़ा सा, इसके जो एक्सपेंशन बनेगा x माइनस वाई एक बार, x माइनस वाई दो बार और x प्लस वाई तीसरी बार। तो भैया जो एलसीएम आएगा वो एक एक टर्म जो आते हैं उनको तो एक एक बार लेना ही पड़ता है x माइनस वाई, और फिर जो ये आ रहा है ये आ रहा है तो एक बार इसको ले लो x प्लस वाई, फिर जो बच गया वो ले लो x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये इसका एलसीएम था, आंसर आ रहा था x माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। क्या ये समझ में आ गया? जी सर आ गया।
तो ये इसका एलसीएम है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है डायरेक्टली कंडीशन से पूछा गया है कि कंडीशन क्या होगी। देखिए आपको एक द्विघातीय सामान्य समीकरण दिया गया है, समीकरण क्वेश्चन दिया है, यूपी टीजीटी का डायरेक्ट आया हुआ क्वेश्चन, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। ये आपके पास समीकरण दिया गया है, कह रहा है कि यदि यह अति परवलय परवलय निरूपित करेगा तो संभावना क्या बनेगी। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि अति परवलय की संभावना क्या होती है। तीन संभावनाएं होती हैं, पहला इसेंट्रिसिटी वन अर्थात परवलय, तो परवलय की संभावना होती है एच स्क्वायर बराबर ए बी, जिसको लिखते हैं एच स्क्वायर माइनस ए बी बराबर ज़ीरो। दूसरी संभावना बनती है एलिप्स दीर्घवृत्त, जिसकी इसेंट्रिसिटी जो होती है एक से कम होती है, तो वो होता है क्या, दीर्घवृत्त। तो इसके लिए कंडीशन क्या बनती है, एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन ज़ीरो, या इसी को बोलते हैं एच स्क्वायर लेस देन ए बी। और तीसरी संगति तीसरा कंडीशन होती है अति परवलय, तो इसको अति परवलय कह लीजिए। और अति परवलय के लिए कंडीशन क्या होती है, एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन ज़ीरो या एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी। तो इसका आंसर यही था, एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी। ओके, तो एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन ज़ीरो या माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर दो तो ए बी माइनस एच स्क्वायर लेस देन ज़ीरो। तो ऑप्शन में ये था जो आंसर मैंने लिखा लास्ट में, ए बी माइनस एच स्क्वायर लेस देन ज़ीरो। बताइए क्लियर है, सही कह रहे हैं, यही आंसर था इसका, ठीक है। हाँ जी सर। चलिए सर अगला क्वेश्चन पेपर से, हालांकि इस क्वेश्चन को हमने कल ही कर दिया है तो आज केवल इसके आंसर के बारे में विचार करेंगे, इसकी मेथड नहीं करेंगे। यूपी टीजीटी का क्वेश्चन नंबर 43 साल 2018। क्वेश्चन है एक्स इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस आई साइन बीटा और वाई इक्वल टू कॉस बीटा प्लस आई, ये अल्फा है माई भाई साहब, कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा। तो कल मैंने आपसे पूछा था कि द वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, कल इसका डेरिवेशन मैंने कराया था तो आपको याद होगा, इसकी वैल्यू आती है आई टेन अल्फा माइनस बीटा अपॉन टू। याद है आप लोग को, कल मैं अपन ने इसका डेरिवेशन किया था, याद है मित्रों इस क्वेश्चन को? जी सर याद है। तो आई टेन अल्फा माइनस बीटा अपॉन टू, इसको सरल तरीके से कर सकते हैं। आइए अब करते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं आइए देखते हैं। कोई भी हमारे पास यदि परवलय है, हर हाइपरवलय है, कोई भी द्विघाती समीकरण है, तो आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख लीजिए, स्पर्श रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण। आपके पास 2D ज्योमेट्री का कोई भी क्वेश्चन हो, अगर स्पर्श रेखा का समीकरण है तो आपको एक प्रकार का, विशेष प्रकार का सब्स्टिट्यूशन यानी कि प्रतिस्थापन करना पड़ता है, और वो प्रतिस्थापन आपको याद रखना पड़ता है, ठीक है ना। स्पर्श रेखा के लिए आपको प्रतिस्थापन याद रखना पड़ता है, वो प्रतिस्थापन क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अगर आपके पास समस्या में क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर आ रहा है तो जहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर है वहाँ पर एक्स एक्स वन पुट करिए, अगर वाई स्क्वायर है तो वाई वाई वन पुट करिए, अगर एक्स है तो एक्स प्लस एक्स वन अपॉन टू पुट करिए, और वाई है तो वाई प्लस वाई वन अपॉन टू पुट करिए। ऐसा करने से किसी भी कर्व के बिंदु एक्स कॉमा वाई पर, एक्स वन कॉमा वाई वन पर आप स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं। ओके, तो किसी दिए गए एक बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण, फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ये कोई वृत्त है। ओके, वृत्त के किसी एक बिंदु पर आपको स्पर्श रेखा का समीकरण चाहिए, बिंदु क्या है, एक्स वन कॉमा वाई वन। तो बहुत ही सिंपल है स्पर्श रेखा का समीकरण कैसा बनेगा आपके पास में, आपको करना क्या है, आपको करना है एक्स की जगह एक्स एक्स वन
एक्स स्क्वायर की जगह वाई की जगह वाई वाई वन इक्वल टू ए स्क्वायर, ये होता है आपका स्पर्श रेखा का समीकरण। ओके, एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन इक्वल टू ए स्क्वायर। मान लीजिए आपके पास वृत्त का समीकरण ये वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, और इसके बिंदु एक्स वन वाई वन पर स्पर्शी का समीकरण निकालना है, तो क्या बनेगा, एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन प्लस टू जी एक्स की जगह एक्स प्लस एक्स वन अपॉन टू प्लस टू एफ वाई के प्लेस पर वाई प्लस वाई वन अपॉन टू प्लस सी इक्वल टू जीरो, टू से टू कैंसिल, टू से टू कैंसिल, सो ये हो गया एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन प्लस जी ब्रैकेट में एक्स प्लस एक्स वन प्लस एफ ब्रैकेट में वाई प्लस वाई वन प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो ये आपका समीकरण बनेगा। चलिए ठीक है, इस तरीके से आपको हल करना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला आपके पास सवाल है, द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ऑफ द टेंजेंट, द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट, एट द पॉइंट क्या है बेटा, ए सेक थीटा कॉमा बी टेन थीटा। ये आपके पास में ए सेक फाई है, हालांकि क्वेश्चन में पेपर मेरे सामने है, ए सेक फाई और बी टेन फाई, आपके सामने जो समीकरण दिया गया है ए सेक फाई और बी टेन फाई दिया गया है, और किस पर निकालना है, ऑन द हाइपरबोला, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन। तो बहुत ही सरल सवाल बन गया ये, तो बहुत ही आसान से हो जाएगा। देखिए कैसे बनेगा ये आपके पास में, आपको पता है कि अगर मेरे पास हाई ये अति परवलय दिया गया है, हाइपरबोला दिया गया है, तो इस पर जो समीकरण बनेगी वो बनेगी एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई वाई वन अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन। फिलहाल एक्स वन की जगह ए सेक फाई है और वाई वन की जगह बी टेन फाई है, तो यहाँ पे क्या डाल देंगे हम, एक्स इंटू एक्स वन की जगह ए सेक फाई अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई इंटू वाई वन की जगह बी टेन फाई अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन। ओके, तो यहाँ से बी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, तो फाइनली हमारे पास इक्वेशन आ चुका है टेंजेंट का। ओके, क्या टेंजेंट का इक्वेशन है मेरे पास में, एक्स सेक फाई अपॉन ए माइनस वाई टेन फाई अपॉन बी इक्वल टू वन। नोट कर लीजिए, एक्स सेक फाई अपॉन ए माइनस वाई टेन फाई अपॉन बी इक्वल टू वन, और ये टेंजेंट का वास्तव में समीकरण भी बनता है, क्योंकि जो टेंजेंट हाइपरबोला में जो प्राचलिक निर्देशांक होते हैं वो यही हुआ करते हैं, ए सेक फाई और बी टेन फाई। तो आप लोग नोट करना चाहें तो ये भी नोट कर लें कि अति परवलय के जो प्राचलिक निर्देशांक होते हैं वो ए टेन फाई, ए सेक फाई और बी टेन फाई हुआ करते हैं। ओके, अति परवलय के जो प्राचलिक निर्देशांक होते हैं वो यही हुआ करते हैं जो आपके सामने मैंने लिखे हैं। ओके, और वृत्त के प्राचलिक निर्देशांक होते हैं, वृत्त के कितने होते हैं, ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा। वृत्त के जो प्राचलिक निर्देशांक होते हैं वो होते हैं ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा, और आपके जो हाइपरबोला अति परवलय के प्राचलिक निर्देशांक, इनको जैसे फाई बी टेन, बिल्कुल सही। अति परवलय के प्राचलिक निर्देशांक नोट कर लीजिए, इक्वल टू ए सेक फाई ए टेन फाई,
और इसके दीर्घवृत्त के प्राचलिक निर्देशांक बता दीजिए क्या होते हैं। ए साइन थीटा बी कॉस थीटा। हाँ, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, ठीक ना, एक्स स्क्वायर अपॉन या ए साइन थीटा बी कॉस थीटा दोनों चल जाएंगे। तो उसमें कॉस और साइन का जोड़ी बनती है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन हो जाता है। इसमें सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन हो जाता है। लेकिन इसमें सर चेंज नहीं कर पाएंगे, ये हाइपरबोला में चेंज नहीं कर पाएंगे, ये सेक 5 8 एंड 5 फिक्स, इसका फिक्स होगा। हाँ, हाइपरबोला का फिक्स है ना, उसके फिक्स नहीं है, एलिप्स का फिक्स नहीं है। एलिप्स में आप स्क्वायर, हाँ एलिप्स में आप ले सकते हैं, परंतु हाइपरबोला में आप नहीं ले सकते हैं, ठीक है सर। तो मेन जो ये है कि अगर आपके पास कोई टेंजेंट बनानी हो, कोई भी 2 डिग्री इक्वेशन हो, तो अगर आपको टेंजेंट बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स एक्स वन, वाई की जगह वाई वाई वन, ओके, एक्स के लिए एक्स प्लस एक्स वन वाई टू और वाई के लिए वाई प्लस वाई वन बाई टू, बस इतना आपको हमेशा याद रखना है, इतना आपको पुट करना ही है, तो आपके पास टेंजेंट का इक्वेशन मिल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए एक क्वेश्चन बहुत बार आया है एग्ज़ाम में, और उसको मैं कहूँगा कि आप लोग को याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि उसका डेरिवेशन काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो उसको आप लोग याद कर लीजिए। वो मैं क्वेश्चन आपको बताए देता हूँ कि वो क्वेश्चन क्या होता है। ये क्वेश्चन डायनेमिक्स का है और ये बहुत बार आया हुआ है। पचौरी सर नमस्ते, राहुल सर, क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 जो एग्ज़ाम में आया हुआ था, ए शॉट ऑफ मास m, हाँ सर कुछ कह रहे हैं, ए शॉट ऑफ, नमस्कार सर, नमस्ते सर, नमस्ते सर, कैसे हैं सर आप, ठीक। तो देखिए सर, आपके पास में एक गन है, आपके पास में एक गन है, और गन का जो मास है वो है कैपिटल m, और इसके अंदर एक छोटी सी बुलेट है, बंदूक के अंदर गोली है, गोली का मास है स्मॉल m। तो आपसे कहा गया है ए शॉट ऑफ मास स्मॉल m इज फायर्ड विद अ मास m, बंदूक कैपिटल m द्रव्यमान से एक छोटी गोली जिसका द्रव्यमान m है मास किया गया है, विद वेलोसिटी u रिलेटिव टू द गन, जो गोली का वेग है गन के सापेक्ष में कितना है, u है। गोली का जो वेग है गन के सापेक्ष में जो u है, आपको बताना है द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ शॉट एंड गन। तो आपको बताना है कि गोली का वेग और गन का वेग का एक्चुअल, ये कौन सा है, यू सापेक्षिक वेग है, यू आपका जो है वो सापेक्षिक वेग है। आपको बताना है एक्चुअल वेलोसिटी, मतलब कि बिल्कुल सही सही वेग क्या होगा, किसका किसका बताना है, आपको बताना है शॉट का यानी कि गोली का और बंदूक का, गोली का और बंदूक का सही सही वेग क्या होगा, आपको ये बताना है, ठीक ना। चलिए तो देखिए भैया, गोली का सही सही वेग लिखिए कैपिटल एम यू अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, ओके, और गोली का बंदूक का वेग स्मॉल एम यू अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, ये नोट कर लीजिए, कैपिटल एम यू अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम और स्मॉल एम यू अपॉन एम प्लस स्मॉल एम, इसको याद कर लीजिए। इसका डेरिवेशन काफ़ी बड़ा जाता है रिलेटिव वेलोसिटी से, उससे कोई ज़्यादा खास मतलब नहीं है, उस पर आप मत जाइए, परंतु मेथड पे मत जाइए, इसको सीधा सीधा इतना याद कर लीजिए। अगर आप कभी एग्ज़ाम में भूल जाते हैं तो आप, हाँ मैं आपको याद दिला सकता हूँ कैसे, देखिए गोली, जो गोली होगी वो तेज भागेगी, तो गोली तेज भागेगी इसलिए गोली के द्रव्यमान को बड़ा करना, ऊपर बड़ा कर दीजिए, क्योंकि अपन गोली का वेग निकालने वाले हैं, तो m, ओके, और रिलेटिव वेलोसिटी u है, और जब द्रव्यमान है तो द्रव्यमान द्रव्यमान से ही कैंसिल होगा, तो m प्लस m। मगर जो बंदूक है, बंदूक धीम भागेगी, तो बंदूक के धीम के लिए नीचे छोटा m, क्योंकि द्रव्यमान कम है ना, द्रव्यमान कम लोगे तो वेग भी कम बनेगा, एम यू अपॉन कैपिटल m प्लस स्मॉल m। देखा जाए तो किलोग्राम से किलोग्राम ये कैंसिल हो जाता है, किलोग्राम से किलोग्राम ये कैंसिल हो जाता है, तो आपके पास केवल वेग बचता है जो होता है मीटर पर सेकेंड। तो आपको याद कैसे करना है, गोली कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू यू, और बंदूक के लिए, बंदूक क्योंकि धीमे खसकेगी पीछे की तरफ, तो स्मॉल एम यू,
अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। बताइए मित्रों, याद आ गया, समझ में आ गया कि नहीं आया? जी 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 ठीक है। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल यूपी टीजीटी का फिर से आया हुआ प्रश्न क्रमांक पेपर में 48 है। पेपर क्या है भैया, लिखा है लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो। क्वेश्चन है एक्स कॉस एक्स माइनस लॉग वन प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ये देखिए, ये पूछा गया है, काफ़ी सरल सवाल है। ब्रैकेट लगा, ये मॉड नहीं है, ये ब्रैकेट लगा हुआ है, तो इसको सॉल्व करना है। देखिए सबसे पहले लिमिट डायरेक्टली पुट करिए, तो जीरो और लॉग वन, जीरो जीरो माइनस जीरो अपॉन जीरो, यानी कि यहाँ पे जीरो बाई जीरो की स्टैंडर्ड फॉर्म बन रही है। अब आपको लगाना पड़ेगा क्या, एल हॉस्पिटल। चलिए तो एल हॉस्पिटल लगाते हैं, और एल हॉस्पिटल लगा के इसको सॉल्व करते हैं, आप लोग भी सॉल्व कीजिए। तो एल हॉस्पिटल लगाने के लिए लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो ऊपर हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन वन, माइनस लॉग वन अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन वन बाई वन प्लस एक्स, और फिर वन प्लस एक्स का हो जाएगा वन प्लस जीरो, गोली मार दो कोई काम का नहीं है। और नीचे कितना बन गया, टू एक्स हो गया आपके पास में। अब देखिए यहाँ पर यदि फिर से एक्स पुट करते हैं तो ये भी जीरो हो गया, और कॉस वन और माइनस वन ये भी जीरो हो गया है, ठीक है ना। एक्स की वैल्यू जीरो पुट करने पर पूरा का पूरा जीरो बाई जीरो बन रहा है, तो फिर से इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ठीक है। तो आपके पास में इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए अब इसके बाद फिर से सॉल्व करिए, वही फर्स्ट फंक्शन एक्स इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो माइनस साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन वन, कॉस एक्स का हो गया कितना माइनस साइन एक्स, वन अपॉन टू आंसर आ रहा है सर, देखते हैं सर, वन अपॉन टू ही आता है इसका, और इसका हो जाएगा प्लस, इसका माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर और होल डिवाइडेड बाई कितना हो गया, टू। चलिए x की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, साइन जीरो ये भी जीरो हो जाएगा, साइन जीरो ये भी जीरो हो जाएगा, वन अपॉन वन प्लस जीरो और होल डिवाइडेड बाई टू, तो करेक्ट आंसर आएगा वन बाई टू, बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल करते हैं, अगला सवाल डिटरमिनेंट का टीजीटी क्वेश्चन नंबर 50 दिख रहा है यहाँ पे। आपको बताना है फैक्टर ऑफ द डिटरमिनेंट। आपके सामने एक मैं सारणिक दे रहा हूँ, और आपको इस सारणिक के फैक्टर्स बताने हैं क्या होंगे। ए बी सी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, ए प्लस बी, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये सारणिक है। आपको बताने हैं इसके फैक्टर क्या होंगे। तो देखिए ऑप्शन दिए गए हैं क्या, ऑप्शन तो काफ़ी सारे हैं इसके, तो ऑप्शन जो हैं, चलिए आप ही इसको सॉल्व कर लीजिए, तो अपने सामने सॉल्व ही करना है, काफ़ी बड़े बड़े ऑप्शन हैं, मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिखूँगा। तो इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम इसमें इसको जोड़ देते हैं, यानी सी वन सी टू को जोड़ दीजिए, सी वन सी टू को जोड़ दिया अपन ने, जोड़े कॉमन भी ले लिए एक साथ, बिल्कुल सही, कॉमन भी कुछ आंसर ऐसे आ रहे होंगे ए माइनस बी, बी माइनस ए माइनस बी फर्स्ट ब्रैकेट, ठीक है। तो एक काम करते हैं अपन, सी टू टेंस टू सी टू प्लस सी वन करते हैं, जो कि ज़्यादा उपयोगी रहेगा। तो ये ए बी सी और ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लिया यहाँ पे अपन ने, तो ये वन, ये वन, ये भी वन हो गया, और यह है ए स्क्वायर, यह है बी स्क्वायर, यह है सी स्क्वायर। चलिए अब देखिए जो सभी ऑप्शन दिए गए हैं वहाँ पे हमारे पास जो है ऑप्शन में, सभी ऑप्शन में हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी तो है, ठीक है ना। अब देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, यदि हम दो को जीरो करके तीसरा एक्सपेंड कर दीजिए तुरंत का क्लियर हो जाएगा, दो जीरो हो जाएगा। अच्छा। तीसरा एलिमेंट के सर मुझे ऐसा लग रहा है कि दो को जीरो करके तीसरे को लेके आना एक सही पॉलिसी नहीं है, ठीक ना।
क्योंकि सर सर R2 इज R2 माइनस R1, R3 इज R3 माइनस R1। अच्छा तो उससे सर R2 टेंस टू R2 माइनस R1। जी उसमें से बन जाएगा सर B माइनस A बन जाएगा और नेक्स्ट बन जाएगा C माइनस B, कॉमन आ जाएगा। ओके चलिए, माइनस बी भी तो बन जा सकता है, माइनस बी, बी माइनस सी दोनों। हाँ ऐसे भी लगा सकते हैं, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। आर वन में भी लगा सकते हैं, आर टू में भी लगा सकते हैं, किसी दो रो में लगा दीजिए सर, रो में लगा दीजिए। ओके सर, दो रो में ए प्लस बी प्लस सी। तो मैं एक काम करता हूँ, आर वन टेंस टू आर वन माइनस आर टू, तो ए माइनस बी यहाँ पे कॉमन भी ले लीजिए साथ में, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे बी माइनस सी, यहाँ पे सी, यहाँ पे वन ना जीरो हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यहाँ पे वन, यहाँ पे सी स्क्वायर, और डेल्टा इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, और ए माइनस बी कॉमन और बी माइनस सी कॉमन, तो यहाँ पर आया 1 0 ए प्लस बी, और यहाँ पे बी सर स्पेंड करेंगे डायरेक्ट ना थर्ड एलिमेंट लेकर के डेल्टा। हाँ फाइनली आंसर यही आ जाएगा इसका, ए प्लस बी प्लस सी, बी माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। चलिए अभी देखिए इसके रिस्पेक्ट में हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं, क्यों सर है ना, प्लस माइनस लेके एक्सपेंड करिए, माइनस तो ये माइनस होगा, तो डेल्टा इक्वल टू माइनस साइन लगा देता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी, बी माइनस सी। अब देखिए तो यहाँ से ये जाएगा और यहाँ से ये जाएगा, तो कितना हो जाएगा बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी, तो भैया बी से बी कैंसिल हो गया और सी माइनस ए में माइनस साइन का मल्टीप्लाई हो गया, तो ए माइनस बी, बी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी, और c माइनस ए नहीं आएगा, क्या आएगा a माइनस सी आएगा, ठीक है ना सर। क्या कोई शॉर्ट कट ट्रिक नहीं होता कि देखने से आइडिया लग जाए कौन सा इसका वो होगा? जी सर शॉर्ट ट्रिक है इसके लिए। क्या है? आप इसमें a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू 3 पुट कर लीजिए जी, और ऑप्शंस में पुट करके देख लीजिए, आंसर इक्वल आ जाएगा, वही ऑप्शन करेक्ट होगा। एक तो ये है शॉर्ट ट्रिक कि इसमें हमको ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2, सी इक्वल टू 3 पुट करके देख सकते हैं, परंतु यदि एक से ज़्यादा ऑप्शन यदि करेक्ट होते हैं है ना, तो हमको यहाँ पर तो फिर प्रॉब्लम आएगी, तो हमको इसी मेथड से इसको ओपन करना पड़ेगा। चलिए सर अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कि यस अगला क्वेश्चन टीजीटी का आया हुआ है, मैं लिख रहा हूँ। क्वेश्चन आया है द कर्व एक्स की पावर एन अपॉन ए की पावर एन प्लस वाई की पावर एन अपॉन बी की पावर एन। एक हमारे पास कर्व दिया गया है एक्स की पावर एन, अगर आपने टीजीटी 2018 का पेपर लगाया है तो ये क्वेश्चन आपको मिला होगा, ए की पावर एन और वाई की पावर एन अपॉन बी की पावर एन बराबर 2। ये जो कर्व है अगर समीकरण, अगर रेखा रेखा x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 2 को स्पर्श करता है, अगर ये जो कर्व है, ये जो वक्र है हमारा, ये वक्र जो है यदि इस रेखा को स्पर्श करता है तो बिंदु p पर स्पर्श करेगा, तो आपको बिंदु p के निर्देशांक बताने हैं। निर्देशांक है पहला a, a प्लस a कॉमा b, दूसरा है b कॉमा a, तीसरा है 1 है और d ऑप्शन दिया है 1 अपॉन a कॉमा माइनस b। तो मतलब पहला होगा सर a कॉमा b, काफ़ी होगा a कॉमा b करेक्ट होगा क्योंकि वो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों इक्वेशन को। अच्छा बिल्कुल सही सर, दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि ये जो बिंदु है ये कर्व पे भी है और रेखा पे भी है और ये दोनों को ही सेटिस्फाई करेगा। बिल्कुल सही जवाब है क्योंकि ये दोनों को ही सेटिस्फाई करेगा, इसलिए करेक्ट आंसर इसका ये हो जाएगा। अब देखिए यदि इसको फिर भी मैं चाहूँगा आपके नॉलेज के लिए इसको मैं यदि सॉल्व करूँ तो मैं कैसे सॉल्व करूँगा, ठीक ना? तो डिफ्रेंशिएट करेंगे सर, m की वैल्यू आएगी, फिर पॉइंट निकालेंगे, टेंजेंट का इक्वेशन आएगा, हाँ पॉइंट आ जाएगा। ठीक सर, तो यदि इसको हम डिफ्रेंशिएट कर दें तो ये बन जाएगा एन एक्स की पावर एन माइनस वन अपॉन ए की पावर एन, कॉन्स्टेंट है, प्लस एन वाई की पावर एन माइनस वन अपॉन बी की पावर एन, और यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना 0, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एन एक्स की पावर एन माइनस वन
अपॉन ए की पावर एन इंटू बी की पावर एन अपॉन एन वाई की पावर एन माइनस वन, ये हो गया ओके। अब यहाँ से एन एन को कैंसिल कर दीजिए तो कितना आ गया, माइनस ऑफ बी की पावर एन अपॉन ए की पावर एन और एक्स की पावर एन माइनस वन वाई की पावर एन माइनस वन। अब ये देखिए यहाँ पे हमारे पास में ये डी वाई बाई डी एक्स आ चुका है ठीक है, और अब हमारे पास जो रेखा दी गई है वो कितनी दी गई है, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू टू, तो वाई अपॉन बी इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस टू लिख सकता हूँ मैं, तो वाई इक्वल टू माइनस का बी बटे ए एक्स प्लस टू। तो यहाँ पर जो हमारे पास स्लोप की वैल्यू आई है वो किसके इक्वल आ रही है, बी अपॉन ए के, और अगर ये टेंजेंट और ये टेंजेंट दोनों एक ही बात है क्योंकि ये टेंजेंट का स्लोप है और ये भी टेंजेंट का स्लोप है, इसका मतलब दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल एक ही पॉइंट पे होंगे तो बराबर हो जाएंगे आपस में। तो यहाँ पे ये दोनों जो होंगे बराबर होंगे, तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू माइनस बी की पावर एन अपॉन ए की पावर एन और एक्स अपॉन वाई की पावर एन माइनस वन, एक्स अपॉन वाई की पावर एन माइनस वन। अब आप ऑप्शन से देख सकते हैं एक्स अपॉन वाई की पावर एन माइनस वन, ऑप्शन से मैच कर लीजिए कि क्या एक्स और क्या वाई रखेंगे तो ये बी अपॉन ए आएगा। और बाकी इसका एक और तरीका है, एक्स अपॉन वाई की पावर एन माइनस वन इक्वल टू, ये देखिए ये ए है तो इधर चला जाएगा, तो माइनस से माइनस पहले कैंसिल कर दीजिए, ये हो गया ए की पावर एन माइनस वन और यहाँ पे बी के नीचे चला गया तो बी की पावर एन माइनस वन, मतलब एक्स अपॉन वाई की होल पावर एन माइनस वन इक्वल टू ए अपॉन बी की होल पावर एन माइनस वन। अब आप ऑप्शन से देख करके निकाल सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन वेरीफाई कर रहा है, तो ऊपर रखना है ए और नीचे रखना है बी, तभी ये ए अपॉन बी बनेगा, तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए कॉमा बी। हालांकि आपको इस मेथड से नहीं जाना, डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक से आपने दोनों पॉइंट खिला करके देख ही लिए हैं कि कौन सा सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है यूपी पीजीटी का, बड़ा क्वेश्चन है ये यूपी पीजीटी का। क्वेश्चन दिया गया है द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स विच हैज़ अ फोकस 6.7 एट डायरेक्ट्रिक्स एक्स प्लस वाई प्लस टू एंड इसेंट्रिसिटी इक्वल टू 1/√3, तो इज इक्वल टू दिया गया है 1/√3 ओके, और ये दी गई है डायरेक्ट्रिक्स और ये दी गई है फोकस, तो जो फोकस के निर्देशांक दिए गए हैं वो कितने हैं भाई साहब, वो है 6.7 और ये डायरेक्ट्रिक्स दी गई। तो आप जानते हैं कि जो कोनिक होता है, हाँ सर क्या बोल रहे हैं, एस पी इक्वल टू ई पी एम वाला फॉर्मूला लगा देंगे क्या सर? हाँ बिल्कुल सही सर, पी एफ इक्वल अपॉन पी एम इक्वल टू ई होता है, तो पी एफ इक्वल टू ई पी एम, पी एफ इक्वल टू ई इंटू पी एम, तो यहाँ पर पी एफ मतलब पी एफ है ना इससे दूरी, तो एक्स माइनस सिक्स का स्क्वायर रूट के अंदर प्लस वाई माइनस सेवन का स्क्वायर इक्वल टू, ये रेखा जो दी गई है इस रेखा का समीकरण क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस टू, तो यहाँ पे रेखा जो रहेगी एक्स की जगह एक्स ही मान लो तो एक्स रहेगा वाई रहेगा प्लस टू रहेगा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी वन प्लस वन। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करके आप लोग आंसर निकाल सकते हैं ठीक है, और इसको सॉल्व करके जो आंसर आता है वो मैं नोट कर देता हूँ आपको, और यहाँ पे भूल गया मैं क्या आएगा, रू वन बाई रूट थ्री, हाँ ई की वैल्यू, तो इसको सॉल्व करके जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 5x² माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5y² माइनस 76x माइनस 88y प्लस 506 इक्वल टू जीरो, ये समीकरण है इसका। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, पी एफ इक्वल टू पी एम ही लगता है और कुछ भी नहीं करना। का हाँ सर, तो इसमें ये नहीं पूछा गया है कि बनेगा क्या,
इसमें बस ये पूछा गया एलिप्स, हाँ सर एलिप्स ही बनेगा ना, क्योंकि जो अपने पास में इसेंट्रिसिटी है वो 1 से कम आ रही है, एलिप्स का क्वेश्चन ही बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है सर, अगला क्वेश्चन आपके पास आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 57 है पेपर का, और क्वेश्चन है द फैक्टर्स ऑफ एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू 0 आर। आपको एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू 0 के फैक्टर बताने हैं, तो इसको कैसे करेंगे? देखिए इसको करने के लिए बताइए क्या करेंगे इसको सर, एक्स स्क्वायर मान लें, टी मान लें। एग्जैक्टली, तो देखिए इसमें एक्स स्क्वायर ऐड कर देंगे, एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हाँ, एक्स स्क्वायर ऐड करने पर 2x स्क्वायर, सॉरी एक्स इसमें 4x स्क्वायर ऐड करेंगे, नहीं सर सॉरी 9x स्क्वायर। नहीं सर, देखिए सर इसके दो तरीके सर, या तो ऑप्शन में जो दो आपको दो फैक्टर दिए हैं उनका गुणन करके देख लो किस में ये आ रहा है, और दूसरा तरीका है सर कि आप इसमें एक्स स्क्वायर को आप जेड मान लो, तो ये समीकरण क्या बन जाएगा आपके पास, ये समीकरण बन जाएगा जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 25 इक्वल टू 0। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे आप जेड के लिए। हाँ सर, इसमें 9x स्क्वायर ऐड कर दें और 9x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा, फर्स्ट मिल जाएगा आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर। 9x स्क्वायर ऐड कर दें और 9x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दें जी, तो यहाँ बन जाएगा 10x स्क्वायर। हाँ सर हो जाएगा वैसे। अच्छा तो ये बन जाएगा 9x स्क्वायर ऐड तो कर देंगे सर, तो 25 मैं दोनों मेथड डिस्कस कर देता हूँ। देखिए श्रीधराचार्य से यदि सॉल्व करेंगे तो माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी यानी बी स्क्वायर वन माइनस फोर ए सी यानी 2500 अपॉन 2a यानी कि 2। ओके, तो z इक्वल टू अपने पास में आ गया माइनस वन प्लस माइनस, ये कितना आ गया भाई साहब 99 माइनस का अपॉन में 2। ठीक है, जिसको आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या लिख सकते हो आप इसको, इसको सॉल्व करके आप फिर दो फैक्टर बना लेंगे। एक मिनट, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आप इसको यदि सॉल्व करते हैं तो z इक्वल टू माइनस वन प्लस माइनस आंसर आयोटा रूट 99 बाई 2, तो यहाँ से दो फैक्टर आ जाएंगे z स्क्वायर के आपके पास में दो फैक्टर आ जाएंगे, और z क्या है अपने पास में x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर के दो फैक्टर इस तरीके से आ जाएंगे। देखिए z की जगह x स्क्वायर रख दीजिए, जेड की जगह आप एक्स स्क्वायर रख देंगे तो माइनस यहाँ पे माइनस वन प्लस माइनस आयोटा रूट 99 अपॉन 2, तो यदि यहाँ से आप इसको इधर ले जाएंगे तो 2x स्क्वायर, और फिर ऐसा करके आपके पास दो फैक्टर बन जाएंगे, बट उससे हमारा आंसर सॉल्व होता नहीं दिख रहा है क्योंकि जो ऑप्शंस हैं हमारे पास आयोटा की फॉर्म के नहीं हैं। तो अब आपकी जो मेथड है वो हम करते हैं, तो आपने क्वेश्चन दिया था x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू 0, तो सर ने कहा कि सर x की पावर 4 प्लस 9x स्क्वायर ऐड कर दिया तो ये हो गया 10x स्क्वायर, और ये हो गया प्लस 25 और माइनस का 9x स्क्वायर इक्वल टू 0। ये मेरे पास बन चुका है x स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर और माइनस 3x का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, और दूसरा एक्स स्क्वायर a प्लस बी ए माइनस बी माइनस 3x प्लस 5। बिल्कुल सही सर, बहुत अच्छा सर, बहुत बढ़िया आपने इसका ट्रिक बताया। यहाँ से अगेन लगा देंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला हो जाएगा, बस सर यही फैक्टर चाहिए था सर, इसके दो डबल पावर में ही फैक्टर चाहिए, इसके जो फैक्टर है हमको डबल पावर में ही चाहिए सर। चलिए
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, इफ़ द सम ऑफ द एन नेचुरल नंबर इज एस वन, अगर एन नेचुरल नंबर का सम दिया गया है एस वन और एन नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम सिग्मा एन स्क्वायर इक्वल टू एस टू और सिग्मा एन क्यूब इक्वल टू एस थ्री दिया गया है, तो आपको बताना है कि कौन सी रिलेशनशिप सत्य है। तो देखिए इसमें ऑप्शंस कई सारे दिए गए हैं, अब इसको कैसे कर सकते हैं, तो आप एक काम करिए n का कोई भी मान मान लीजिए, दो या तीन मान लीजिए, तो हम n की वैल्यू ले लेते हैं, कितनी, दो, n की वैल्यू दो ले लेते हैं, तो शुरुआत के दो नेचुरल नंबर का सम s1 बराबर कितना आएगा, दो, एक प्लस दो तीन हो गया, शुरुआत के दो नंबर के स्क्वायर का सम यानी s2 बराबर हो जाएगा एक का स्क्वायर प्लस दो का स्क्वायर जो कि हम पाँच लिख सकते हैं, और s3 मतलब एक का क्यूब प्लस दो का क्यूब जिसको हम लिख सकते हैं नाइन, तो एक पाँच नाइन, और यदि हम ऑप्शन में बिठालते हैं तो ऑप्शन नंबर ए नाइन एस टू स्क्वायर इक्वल टू एस थ्री वन प्लस एट एस वन, अब आइए इसको मैनेज करते हैं, तो नाइन एस टू स्क्वायर यानी कि पाँच इक्वल टू एस थ्री यानी कि नाइन और वन प्लस एट एस वन मतलब वन प्लस एट एस वन यानी वन प्लस कितना हो गया भाई साहब, एस वन एक और दो तीन हो गया, ये नहीं हुआ, नाइन एस टू स्क्वायर, एस टू यानी पाँच का स्क्वायर पच्चीस हो जाएगा भाई, स्क्वायर भी करना था, और एट एस वन यानी आठ गुणे तीन चौबीस, चलिए देखते हैं, तो पच्चीस गुणे नौ हो गया दो सौ पच्चीस, और यहाँ पर पाँच का स्क्वायर पच्चीस गुणे नौ बराबर दो सौ पच्चीस, तो शॉर्ट ट्रिक थी ये, और बाकी आप इसका रिज़ल्ट याद कर सकते हैं डायरेक्टली, इसका रिज़ल्ट होता है नाइन एस टू स्क्वायर इक्वल टू एस थ्री ब्रैकेट में वन प्लस एट एस वन, और शॉर्ट ट्रिक है ही अपने पास, तो बहुत जल्दी अपन इसको कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, समझ में आया कि नहीं आया? जी सर, जी सर, आ गया। चलिए ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं मित्रों, अब बाकी कल करते हैं, धन्यवाद आपको।